लेकिन मैं तो कर्जा रह गया बाबा इतना सब क्या बाबा बाबा जिनसे श्री जी को सेवा लेनी है ना, कर्जा रह गया ये ऋण तो चुकाना पड़ेगा मुझे। आप कोई कर्जदार ना, आप तो आशीर्वाद दे बस। आशीर्वाद आए श्री जी से प्रार्थना कराए, आप लोग कर सामर्थ्य दे, धन संपत्ति और ठाकुर जी और दे, भरपूर रखे भंडार और शक्ति सामर्थ्य दे सेवा करने के लिए। Thank you.
बोलिए लाडली लाल की जय। आज श्री जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से श्रीधाम बरसाना में एक संत विराजते हैं जिनको नाम है बाबा कमल कृष्ण दास। तो मैं जब बाबा के पास आयो सेवा लेके नहीं है तो बाबा ने एक चीज़ मुझसे कही कि प्रभु जी उनकी जो रसोई थी उसकी टीन आदि सब गल चुकी थी और बारिश का समय है, तुम्हारा इस समय पे जीव जंतु भी बाहर निकल के आते हैं ज़मीन में से, और बाबा की रसोई में प्लास्टर भी नहीं था, बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो आज किशोरी जी ने कृपा करी और आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं बाबा की रसोई को ये सेवा को कार्य कराया है, ऊपर टीन डली है, फर्श पलस्तर ये सब व्यवस्था आज बढ़िया वाली बाबा की हो चुकी है। तो आइए आज की सेवा बाबा को समर्पित करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, और जिन भक्तों को माध्यम बना करके श्री जी ने ये सेवा का कार्य कराया है मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और उनके ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे और सेवा के ये कार्य ब्रजधाम में इसी प्रकार से चलते रहें, यही मंगल कामना मैं लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो आइए कुटिया में प्रवेश करते हैं बाबा की और आपको दिखाते हैं कैसी सुंदर रसोई बन गई है, बाबा ने अपना सामान भी सब यथावत रूप से लगा लियो है। आइए ये आप देख रहे हो बाबा की रसोई के दरवाजे पे खड़े हैं हम। ये फर्श आदि की जो व्यवस्था है ये कुछ भी नहीं होता था यहाँ, यहाँ गीला गीला रहता था, और ये टीन वगैरह भी सब बाबा की टूट गई थी, अब नई टीन लगवाई है फ्रेम लगवा करके ताकि कोई भी आंधी वगैरह आए या बंदर वगैरह कूदे तो कोई परेशानी ना हो, ये खम्भे गाड़ करके इसको पूरी मजबूती के साथ श्री जी ने ये व्यवस्था कराई है। आइए अंदर प्रवेश करते हैं, और इस समय लाइट नहीं आ रही है हमारे, तो मैं आपको अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ रसोई का। ये प्लास्टर वगैरह की व्यवस्था, ऊपर टीन की व्यवस्था, ये बड़ी सुंदर व्यवस्था बाबा की हो गई है ताकि कोई भी जीव जंतु अगर बारिश के समय बाहर निकलता है तो बाबा को कोई परेशानी ना हो। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे यहाँ, और ये प्लास्टर होकर के पूरी व्यवस्था बाबा की अच्छे से की गई है, और बाबा ने अपनी रसोई को भी सामान सब लगा लियो है, क्योंकि बाबा पहले अपनी कुटिया में ही ये बनावे है। रसोई आदि की जो व्यवस्था थी वो कुटिया, छोटी सी कुटिया बाबा की, और उसमें भी आधा रसोई घिर ले, बड़ी परेशानी को सामना बाबा करना पड़े हो। अब श्री जी की कृपा से और आप भक्तन के सहयोग से बड़ी सुंदर व्यवस्था है गई है, फर्श भी भयो है, प्लास्टर भी भयो है, टीन भी डली है। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और सेवा उनको समर्पित करते हैं और बाबा को आशीर्वाद लेते हैं। ये ब्रजमंडल के ऐसे संत हैं महाराज जिनको जीवन बीत गए हो ब्रज में रहते रहते प्रभु की आराधना करते करते। और मैं आपको एक दर्शन और कराऊं, बेलपत्र के पेड़ के नीचे बाबा की रसोई है, और बेलपत्र के नीचे तो समझो बाबा भोलेनाथ की छांव में ये रसोई का कार्य हुआ है। बड़ो ही आनंद में यहाँ को वातावरण है, बड़ो ही सुंदर ये छोटी सी कुटिया है बाबा की, और आज श्री जी ने ये कार्य पूर्ण करायो, आज मैं आपको बता नहीं सकता हृदय को जो परम आनंद प्राप्त है रहे हो, क्योंकि महाराज संतन की अगर कृपा प्राप्त है गई तो श्री जी की कृपा प्राप्त है में कोई संदेह ना है। देखो जब बाबा की इच्छा हो तो बाबा गैस सिलेंडर पे प्रसादी बना में ये सिलेंडर रखे है छोटो वालों, और जब बाबा के मन हुए तो बाबा ने बाहर चूल्हो भी बनाया, लकड़ी से भी प्रसादी तैयार करी जाए जो प्राचीन समय में जैसे की जाती थी, बाबा ने चूल्हो बनाया, अभी मिट्टी की लिपाई करके इसको बहुत सुंदर स्वरूप प्रदान करा जाएगा, बाबा अभी तैयार कर रहे हैं चूल्हो अपना। तो जब मन हो तो टीन के नीचे बाबा लकड़ियों से रसोई बनाते हैं, और अभी एक थोड़ी सी जो मेरे मन में भाव प्रकट हुए है वो थोड़ो से ये है कि बाबा की कुटिया की ये रसोई की फिनिशिंग के तौर पर पुताई का कार्य हो जाए, और थोड़ा सा मैंने एक चीज़ और नोट की है, ये जो तार वगैरह जो लटक रहे हैं इसके लिए थोड़ी सी फिटिंग यहाँ हो जाए, अगर आप भक्तों के हृदय में कोई भाव प्रकट श्री जी करें तो आप इस सेवा में सहयोग जरूर करें, क्योंकि यहाँ दो लाइट लग जाए, एक बोर्ड लग जाए, और उसके बाद में एक पंखा की व्यवस्था महाराज, क्योंकि गर्मी को समय है, बारिश को समय उमस वाली गर्मी होती है, तो कभी बाबा बना में तो पंखा छोटो सो चला लें और वाके बाद ये सेवा संपूर्ण हो जाएगी। अब जितनी भी सेवा हुई है चलो बाबा महाराज के श्री चरण में चल रहे हैं और उनको ये सेवा आज समर्पित करते हैं। आइए बाबा आपके चरणन में बार बार प्रणाम, दंडो दंडवत बाबा दंडो, मैं यहाँ बैठ जाऊँ बाबा। जैसो आपने दास को आदेश करो रसोई के लिए, आज श्री जी की कृपा से ये सेवा आपकी संपूर्ण है गई और अब आप रसोई आराम से बना सको हो ना। मैंने बहुत खुश हुआ हो, आप बहुत दया किया, कितना गर्मी पड़ा, कितना धूप,
बहुत कष्ट करे, सब कुछ सामान ले आए, मिस्त्री भी आए, मिस्त्री पे बहुत कष्ट उठाया, गर्मी बाबा हमारो कष्ट तो कष्ट के सामने कछु भी ना, जैसो कष्ट आपने पायो है। मैंने देखो दीवार में बड़े बड़े गड्ढे है रहे और नीचे फर्श की व्यवस्था नहीं, ऊपर से पानी टपकता था, मिट्टी की टीन हुआ करती थी जो बंदरों ने तोड़ दी थी। तो कष्ट तो आपने झेलो है, मेरो कष्ट तो बाकी सामने कछु भी ना, और मेरो काय को कष्ट। मुझे तो परम आनंद मिले, आप संतन को आशीर्वाद मिले, आपकी सेवा को सौभाग्य श्री जी ने मुझे दियो है। ये तो मेरो परम सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुषन की सेवा को या दास को सौभाग्य प्राप्त करायो श्री जी ने। मैं राधा रानी से सदैव प्रार्थना करूँ, राधा रानी से, ठाकुर जी से, हमारा कन्हैया से, जो सबको थोड़ा जिसका पैसा से सब कुछ से मदद किया और शक्ति सामर्थ्य है उसका भंडार भरपूर रखे दान संपत्ति से, जय हो जय हो, और शक्ति सामर्थ्य राधा रानी और दे सेवा करने के लिए, लेकिन मैं तो कर्जा रह गया बाबा इतना सेवा क्या बाबा बाबा जिनसे श्री जी को सेवा लेनी है ना, कर्जा रह गया, ये ऋण तो चुकाना पड़ेगा मुझे। आप कोई कर्जदार ना, आप तो आशीर्वाद दे बस। आशीर्वाद आज श्री जी से प्रार्थना कराए, आप लोग कर सामर्थ्य दे, धन संपत्ति और ठाकुर जी और दे भरपूर रखे भंडार और शक्ति सामर्थ्य दे सेवा करने के लिए। इतना गर्मी सर्दी बरसात में आप संत सेवा में सब लोग तन मन धन से मदद करता है बाबा, सब श्री जी की कृपा है या दास के ऊपर श्री जी की कृपा है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है मैं आप महापुरुषन की सेवा कर पाऊँ, ये तो श्री जी की कृपा है। तन से मन से धन से सब और शक्ति सामर्थ्य दे राधा रानी, सच कह रहा हूँ। मैंने देखा वीडियो में ठंडी में कितना कंबल बटा बरसाना गोवर्धन इधर उधर और कितना जंगल में साधु संतों को मैंने देखे, बहुत खुश हुआ। रात को आदमी सो जाता है, आप इतना ठंडी में घूम घूम के सबको सेवा किया, सब श्री जी की कृपा बाबा, सब श्री जी की कृपा। इतना ही सुधो प्रार्थना कर राधा रानी से और मैं क्या कहूँ, और मुझे भी आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा भजन कर सके ठाकुर जी का। देखो महाराज कैसो भाव है संतन को, ब्रजवासी को आशीर्वाद मांगे बाबा, अरे सबरो संसार तो संतन को आशीर्वाद चाहे, इनकी कृपा चाहे, और इनको कैसो भाव है कि ब्रजवासी से कहें कि आप हमें आशीर्वाद दो। धन्य है भैया ऐसे महापुरुषन के भाव, और आप भक्तन को खूब आशीर्वाद बाबा ने भी दियो है और मेरी तरफ से भी खूब आशीर्वाद है। लाडली जी की कृपा सदैव आप भक्तन के ऊपर बरसती रहे और आपको मन और आपकी बुद्धि ठाकुर जी के चरणन में लगी रहे, सेवा के प्रति आपके हृदय में ऐसे ही भाव दिनों दिन बढ़ते रहें, ताकि ये सेवा के कार्य खूब होते रहें ब्रजमंडल में, और खूब इन संतन की कृपा, खूब इन संतन को आशीर्वाद आप भक्तन को प्राप्त होते रहे। बोलिए लाडली लाल की जय। और जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर श्री जी उनके हृदय में भाव प्रकट करें तो नीचे आप जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से संपर्क करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप भक्तों के माध्यम से ये सेवा के कार्य संभव हो पा रहे हैं। बाकी हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि जो हम सेवा कर पाएं। तो मिलते हैं एक और संत भगवान की सेवा की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को ब्रजमंडल की पावन धरा से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।